अस्सलाम वालेकुम मेरे डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सीनियर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए कुछ दुपट्टों के कलेक्शन लाई हूँ और कुछ उससे रिलेटेड आइडियाज़ लाई हूँ। दुपट्टे वो जो मेरे अपने ज़ाती इस्तेमाल में हैं, उसमें कुछ ऐसे हैं जो मैंने मुख्तलिफ किसी की शादी पे या फिर मेरे जहेज़ के हैं, और साथ जो है वो ईद के लिए कोई सूट बनाया है तो उसके साथ के जो दुपट्टों की कलेक्शन है वो मैं आपके लिए लाई हूँ। ये पहला दुपट्टा है, आप देखो ये नेट का दुपट्टा है। ये बिल्कुल सिंपल दुपट्टा था जिस पे मैंने जो है वो टसल्स लेकर लगाए हैं जो धागे के बने हुए होते हैं, और एक सादा से दुपट्टे को इसने जो है वो बड़ी डिफरेंट सी और यूनिक सी जो है वो लुक दे देगी। और आप देख रहे होंगे कि इसका कॉम्बिनेशन जो है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ मेरा जो है वो ऑरेंज और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन का सूट था, और साथ में जो ये डल गोल्डन और कॉपर कलर के उसके ऊपर जो है वो जमावार का काम हुआ था, जिसके साथ ये दुपट्टा जो है वो मैंने बनाया था। आप इसी तरीके से आप डिफरेंट नेट के दुपट्टों पे टसल्स के साथ साथ जो है वो बीड्स भी लगा सकते हो, या फिर कोई ना कोई जो है वो लेस लगा सकते हो, उसके साथ साथ लटकन लगा सकते हो। दूसरे नंबर पे जो दुपट्टा ये आप देख रहे हो, ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है जो बिल्कुल लाइट से ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। ये दुपट्टा भी बिल्कुल सिंपल सा था जो मेरे एक जो है वो फंक्शन के लिए मैंने सूट बनाया था उसके साथ था, और इसके किनारों पर जो है वो मैंने समोसा लेस लेकर लगाई थी। ये समोसा लेस आपको आम जो है वो किसी भी लेस की दुकान से मिल जाएगी, और चारों तरफ जो है वो तकरीबन दुपट्टे पर 8 मीटर के हिसाब से जो है वो लेस लगती है, और इससे सादा से दुपट्टे को इसने एक बड़ा डिसेंट और एलिगेंट सी जो है वो लुक दे दी है। गोल्डन लेस जो है वो मैंने लाइट ग्रीन के साथ इस्तेमाल किया। तीसरा ये जो दुपट्टा है मेरा, ये मेरे ईद के ड्रेस के साथ था जिसके साथ मेरा बिल्कुल सिंपल मैरून का जो है वो सूट था, और उसके नीचे जो है वो मैंने लेस और क्रेशे के बने हुए फूल और ऊन के बने फूल जो है वो लगाए थे, उसके साथ ये दुपट्टा मैंने बनाया था। ये सारा नेट का दुपट्टा था, बिंदियों वाला, आपको कहीं से भी नेट का दुपट्टा जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। उसके ऊपर मैंने ये जो फूल बने बनाए मिलते हैं वो 5 रुपये का एक फूल आता है, वो लगा के मैंने एक जाल की तरह बना जो है वो लगाया था, और इन फूलों के ऊपर जो है वो घुंघरू आपको मिल जाएंगे ये मैंने लगाए थे, जिससे बिल्कुल हल्की सी आवाज़ आती है, ज़्यादा बुरी भी नहीं लगती। और नेट के जो छोटे छोटे पैचेस हैं उसके जो है वो फूल बना के साथ लगाए थे, और इसके चारों तरफ आपको नज़र आ रहा होगा ऊन के फूलों वाली जो है वो चौड़ी पट्टी की मैंने लेस लगाई थी। आप इसको साइड्स पर देख सकते हैं, बिल्कुल ये देखें, और इसके ये मल्टी शेडेड बनाया था, और क्योंकि कपड़े बिल्कुल सिंपल थे तो उसके साथ ये मल्टी शेडेड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक सा जो है वो लुक दे रहा था। आप इसी तरीके से नेट के दुपट्टे लेकर उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जो आपके सादे से सूट को जो है वो बहुत ग्रेसफुल बना सकती हैं। नेक्स्ट ये जो है मेरे बरी का एक सूट था, अभी मेरी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ तो उसमें बरी का एक सूट था, और ये मैरूनिश जो ब्राउन कलर है उस और टी पिंक के कॉम्बिनेशन का ड्रेस था, जिसका फ्रॉक था पूरा बहुत हैवी काम वाला, उसके साथ दुपट्टा जो था वो लाइट रखा था, और इसीलिए इसके ऊपर नेट का दुपट्टा है सारा जिसके ऊपर दाना दाना जो है वो छोटा छोटा मामूली काम हुआ हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हैवी और थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट सा एलिगेंट सा लुक देने के लिए मैंने इसकी साइड पर जो है वो बनारसी पट्टी आपको बनी बनाई मिल जाएगी, वो पट्टी जो है वो मैंने दुपट्टे के चारों तरफ लगाई थी। इस पर भी तकरीबन जो है वो आपको लेसों वाली किसी भी अच्छी शॉप से जामावार की पट्टियाँ भी मिल जाती हैं, बनारसी भी मिल जाती हैं, एक कलर में भी मिल जाती हैं और 2 कलर में भी। ये जो नंबर 5 पर दुपट्टा है, ये मैंने चुंटों वाला सादा दुपट्टा बाज़ार से ख़रीदा था, इसके साथ मेरा जो है वो मजेंटा कलर का जामावार का ड्रेस था, जिसके अंदर ये दुपट्टे के कलर का ही जो है वो प्रिंट्स बने हुए थे, और उसके साथ मैंने ये सादा दुपट्टा लिया था, और क्योंकि ये चुंटों वाला है इसकी अपनी एक ग्रेस होती है तो इस पर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन छोटे छोटे जो टसल्स हैं वो लगाए थे। घर में एक्स्ट्रा जो है वो आपके लेस पड़ी होती है, अक्सर छोटे छोटे पीसेज होते हैं, तो अगर आपके पास बड़ी लेस नहीं है तो आप उसके साथ लगे हुए छोटे टसल्स या उसमें बने हुए छोटे छोटे फ्लावर्स को काट कर भी जो है वो दुपट्टे के ऊपर लगा सकते हैं पट्टी की सूरत में, या वैसे सुई के साथ अगर टसल्स हैं तो आप उनको भी अरेंज कर सकते हो, अगर आप स्पेशली बाजार जाकर नहीं लेना चाहते। और जब आप इसको करोगे तो ये थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ा हल्का फुल्का होता है तो ये बड़ा अच्छी लुक देता है।
उसके बाद नेक्स्ट ये मेरे एक जहेज़ का सूट था फिरोज़ी, जिसकी फुल काम शर्ट वाली थी, मोतियों की और नलकियों के काम की थी। उसके साथ दुपट्टा जो है वो बिल्कुल सिंपल था, तो उसमें क्योंकि लाइट पिंक और गोल्डन से कलर का काम हो गया था, तो मैंने उसके साथ ये लटकन वाली जो लेस है ये ली थी। ये लेस कहीं से भी आपको 90 से 120 रुपये मीटर के हिसाब से जो है वो मिल जाती है बाज़ार में। आप दर्जी से भी लगवा सकते हैं, आप ख़ुद भी लेके जो है वो लगा सकते हैं अगर आप चाहें। तो ये मल्टी शेडेड से हैं, फिरोजी के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। हालांकि दुपट्टा सादा था, तो उसके दो चारों साइड पे पिको करा के और पल्लुओं पे जो है वो मैंने इसकी लेस लगाई थी, जो थोड़ा सा दुपट्टे को जो है वो ग्रेसफुल सा लुक देता है, बड़ा फैंसी लुक देती है, और साथ जो है थोड़ा थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है ताकि वो आसानी से जो है वो गिरे ना। जो नेक्स्ट है ये, इसके साथ मेरा जो ड्रेस था वो रेडीमेड ड्रेस था, जिसके साथ मैंने शर्ट के साथ और ट्राउज़र मैच किया था और दुपट्टा मैच किया था। ये ऑर्गेन्जा का मैंने दुपट्टा लिया था और इसके जो टसल्स हैं वो मैंने जो है वो लगाए थे इसके साथ लेकर। कुछ दुपट्टों पे अक्सर टसल्स लगे होते हैं लेकिन वो इतने पायदार नहीं होते, आप कोशिश करें ख़ुद भी लेके लगा सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा लगाते हैं तो आप एक पल्लू पर 4 से 5 भी लगा सकते हैं। मैंने दो दो साइड्स पर लगाए हैं, चारों पल्लुओं पर दो दो, मतलब दो दो जो है वो लगाए हैं। आप सिर्फ चारों कोनों पर एक एक भी जो है वो लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट या थोड़ा सा जो है वो कैजुअल लुक के साथ थोड़ा फॉर्मल सा लुक भी जो है वो दे देते हैं, तो ये बड़ा एलिगेंट सा लगेगा। आप सेम कलर के भी लगा सकते हैं, आप डिफरेंट जो कलर होगा शर्ट में उसके भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा दुपट्टा है, ये मेरा वेलवेट का एक ड्रेस था, जिसके साथ मैंने जो है वो जामा, एक शर्ट थी मेरी जामा बाहर का, उसके साथ मैंने जो है वो ट्राउज़र बनाया था। ये लाइट और डार्क का कम्बिनेशन था, क्योंकि मेरी शर्ट जो थी उसके अंदर ये जो पट्टी का कलर लगा हुआ ये काफ़ी ज़्यादा था, वो पेंटेड आप देखोगे कि अक्सर आए हुए थे ग्लिटर्ड और पेंटेड वाली शर्ट्स जो हमें वेलवेट की बहुत चली थी। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर रही हूँ कि सर्दियों के मेरे जो है वो काम आएगा। तो उसकी पट्टी जो बच गई थी कपड़ा, उसके मैंने चारों तरफ पट्टी लगाई और अभी मैं इसके ऊपर जो है वो ये सितारों को और उसके साथ जो छोटे वाले टसल्स हैं वो लगा रही हूँ, जो मेरे शर्ट के अंदर कलर्स हैं रेड और लाइट ग्रीन के कलर्स हैं। तो इस कलर्स के जो है लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन करके मैंने ये दुपट्टा बनाया है। और आप देखो इसको जब ये कंप्लीट होगा तो आप चारों तरफ लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, और सिर्फ पल्लुओं पर लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। तो जब ये कंप्लीट होगा तो ये बहुत खूबसूरत लुक देगा। तो अभी ये कुछ दुपट्टे थे जो मेरे ड्रेस के थे, ड्रेसेस के साथ के थे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।